नमस्ते, सरोज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो दिखने में तो सिंपल है ही, साथ ही बनाने में भी बहुत ही सिंपल है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये खास रेसिपी है कांदा बेसन, लेकिन इसे गर्मा गर्म खाए तो ही मजा आता है। तो आप इस रेसिपी को अंत तक जरूर देखिए और एक बार इसे जरूर बनाइए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम कांदा बेसन की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर दी है। करीब 3 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम हम थोड़ी स्लो कर देंगे और आधी छोटी चम्मच हम राई डाल देंगे। सबसे पहले आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे हम, थोड़ी सी हींग इसमें हम डाल देंगे और करीब 4 कली मैंने लहसुन की ली थी उसे अच्छी तरह से हमने पीस लिया है। आप चाहें तो इसके साथ अदरक भी मिला सकते हैं। तीन हरी मिर्च ली थी मैंने, इसे इस तरह से हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। छह से सात करी पत्ते लिए थे, वो भी इसमें डाल देंगे हम। और यहाँ पर मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए थे, 3 प्याज लिए थे, उसको इस तरह से हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, वो अब हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, हमें ज्यादा भी नहीं भूनना है इसे। इस समय गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे, मीडियम पे कर देंगे हम। तो जब तक प्याज भून रहे हैं, हम दूसरी तरफ बेसन की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल बेसन लिया है और इसको हम पतला सा घोल बना लेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ ना डालें नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे इसमें। तो इस तरह से हमने ये पतला सा घोल तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसी तरह की हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए और एक भी लम्स नहीं पड़ा है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने बेसन को घोल लिया है। तो आप देख सकते हैं प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं और सारा प्याज अलग अलग हो चुका है, बस इतना ही हमें इसे भुनना है। अब इसमें हम सूखे मसाले मिला लेंगे। सबसे पहले हम नमक डाल देंगे, तो 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर हम डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। और जो बेसन का घोल हमने बनाया था, आप देख सकते हैं एकदम ही पतला घोल है ये, इस तरह का ही हमें घोल बना के तैयार करना है। अब वो हम इसमें डाल देंगे। बेसन वाले बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और अब वो भी इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे हम इसमें। तो इस तरह से हम इसे करीब 1 से 2 मिनट
स्लो आंच पे एकदम पका लेंगे। और कई बार हम चाहते हैं कि खाना झटपट बन जाए और टेस्टी भी हो, ऐसे में हम इस सब्जी को जरूर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत फटाफट ये सब्जी बन जाती है। तो गैस की फ्लेम एकदम ही स्लो कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम करीब 3 से 4 मिनट पकने देंगे। तो स्लो फ्लेम पर पकते हुए करीब 4 मिनट हो चुकी है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कितना पतला घोल डाला था और ये पककर एकदम गाढ़ा हो चुका है। इसे थोड़ा सा और पानी डाल देंगे हम। और इसी समय आप नमक और मिर्च भी चख लें, अगर आपको कम लगे तो आप और मिला लें। फिर से हम ढक्कन लगा लेंगे और करीब 2 से 3 मिनट इसे और पका लेंगे। तो स्लो फ्लेम पर पकते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो चुकी है, अब इसे चेक कर लेंगे हम। तो सब्जी बनकर एकदम ही तैयार है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, साथ ही आप हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्टी लगती है ये। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही फटाफट और टेस्टी सब्जी बनकर एकदम ही तैयार है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।